हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 21, चैप्टर नंबर 23, हीट एंड टेम्परेचर। अ ग्लास विंडो इज टू बी फिट इन एल्युमिनियम फ्रेम। द टेम्परेचर ऑफ ऑन वर्किंग डे 40 डिग्री सेल्सियस एंड द ग्लास विंडो मेजर एग्जैक्टली 20x30 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ एल्युमिनियम फ्रेम सो दैट नो स्ट्रेस इन द ग्लास इन द विंटर इवन द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ग्लास एंड एल्युमिनियम हैज बीन गिवन। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम मेंटर अनुराग। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी है गाइस कि अपने पास क्या है, एक ग्लास है जिसकी डायमेंशन कितनी है, 20x30 गिवन है। सही है। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ, एक एल्युमिनियम फ्रेम है। क्या है इसके ऊपर, एक एल्युमिनियम फ्रेम है। ठीक है, इस एल्युमिनियम फ्रेम ने इस ग्लास को होल्ड किया हुआ है। सही है। और ये कंडीशन हमें कितने में दी हुई है, 40 डिग्री सेल्सियस पे दी हुई है। कितने में दी हुई है, 40 डिग्री सेल्सियस पे। अब कहता है कि टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, कितना हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एल्युमिनियम और ग्लास दोनों क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहां से दिख रहा है कि एल्युमिनियम ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा किससे, ग्लास से। एल्युमिनियम क्या होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा किससे, ग्लास से। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी एल्युमिनियम ज्यादा फैलेगा और टेम्परेचर घटेगा तब भी एल्युमिनियम ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, जिसका ये ज्यादा बड़ा होता है तो उसके अंदर वेरिएशन ज्यादा होती है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर मैं शुरुआत से दोनों की लेंथ इक्वल लेकर चलूंगा तो एल्युमिनियम ज्यादा छोटा हो जाएगा। एल्युमिनियम अगर ज्यादा छोटा हुआ तो ग्लास को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा और ग्लास के अंदर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। तो मिनिमम कंडीशन क्या है कि भैया एक्सपेंड जो भी आपको लेंथ चेंज करनी है कर लो, लेकिन लास्ट में दोनों की जो चेंज इन लेंथ है वो इक्वल हो। मतलब दोनों की जो नई लेंथ है वो क्या हो, कम से कम इक्वल तो हो, छोटी ना हो बड़ी ना हो। ठीक है, एल्युमिनियम बड़ा चलेगा लेकिन छोटा कभी भी नहीं हो सकता। मिनिमम कंडीशन नो स्ट्रेस वाली क्या है, तो नो स्ट्रेस कंडीशन फॉर ग्लास। होप ये कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद तो कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट को देख लेते हैं क्या है। एल डैश ऑफ ग्लास इज इक्वल टू एल ऑफ ग्लास 1 प्लस अल्फा ग्लास डेल्टी। अब टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर माइनस का साइन यूज कर लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, और एल एल्युमिनियम डैश इज इक्वल टू एल एल्युमिनियम ओरिजिनल 1 माइनस अल्फा एल्युमिनियम डेल्टी। ठीक है, इसके हिसाब से दोनों को इक्वेट कर लेता हूं, एल जी 1 माइनस अल्फा जी डेल्टी इज इक्वल टू एल एल्युमिनियम 1 माइनस अल्फा एल डेल्टी। ठीक है, एल जी कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर में, और 1 माइनस अल्फा जी कितना गिवन है, दैट विल बी 9x10⁻⁶। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, 40 था से 0 हुआ है, माइनस का साइन मैं पहले ले चुका हूं तो मैं 40 का यूज कर रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल्युमिनियम, ओरिजिनल कितना था ये तो निकालना ही है, 1 माइनस अल्फा ऑफ एल्युमिनियम इज 24x10⁻⁶ मल्टीप्लाई में 40, दैट विल बी डेल्टा टी। माइनस 40 है, माइनस पहले यूज कर चुके हैं, ये कितना हो गया, दैट विल बी 1 माइनस 9x4 = 36, और 2 0 लो दो 0 0 दैट विल बी 36 मल्टीप्लाई में 20 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल्युमिनियम 1 माइनस 4 96 और साथ में कितना आ गया, दैट विल बी 960, 3 कटेगा और 3 आगे, तो दैट विल बी 0.00096 somehow। ठीक है, शायद यही है, सही है। इसके बाद हम अगर मैं यूज करूँ तो दैट विल बी 0.0036, एक मिनट, दैट विल बी कितना हुआ, 360 ना, 360 ओके, एक जीरो हो जाएगा, नाइस ओके, बस इसको सॉर्ट आउट करते हैं। दैट विल बी, ये मुझे चाहिए इसको यहाँ रखते हैं, बाकी सबको यहाँ ले आते हैं, 21 माइनस 0.00036 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.00096 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल्युमिनियम ओरिजिनल लेंथ, नाइस। इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो ये होने वाला है 20 मल्टीप्लाई में, अगर इसको करो तो दैट विल बी होगा ये अराउंड, दैट विल बी 36
64 एंड 9964 ठीक है, 0.9964. What about this? Okay, 0.99904. ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो दैट विल बी अराउंड, ये बनेगा हमारे पास, इसको सॉर्ट आउट किया हुआ दैट विल बी अराउंड 1.64 16 64 ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 1.006 अप्रोक्स ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये होने वाला है आपका 20 का 20 और आगे बन जाएगा आपका दैट विल बी ए 20.12 नाइस 0 वाट ठीक है, हम निकाल क्या रहे हैं सेंटीमीटर में सब कुछ, तो ये भी क्या आने वाला है सेंटीमीटर में ठीक है नाइस। इसी तरह आप क्या निकाल सकते हो, ब्रेड भी निकाल सकते हो, ब्रेड के लिए क्या करना है आपको सेम बी डैश करने कैलकुलेट, तो सेम आप यहाँ पे लेंथ की जगह रख दोगे ब्रेथ और जो 20 की जगह रख दोगे 30, यू विल गेट द वैल्यू और द वैल्यू आप 30 को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 30 इंटू कितना आ जाएगा 1.006 विच इज इक्वल टू 30.0180 हाँ दैट विल बी 30 ठीक है 0.0018 सेंटीमीटर होप फंडा क्लियर होगा ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट यू कैन कर सकते हो आराम से इजली और यही था इसके अंदर, तो मेन कंसेप्ट यही था कि मिनिमम स्ट्रेस की कंडीशन क्या होगी दैट विल बी कोई स्ट्रेस ना आए, मतलब फाइनल लेंथ ऑफ ग्लास इज इक्वल टू फाइनल लेंथ ऑफ एल्युमिनियम ठीक है। और थोड़ा सा कंसेप्ट अगर देखो तो वेरिएशन कहाँ दे सकते हो आप, अल्फा भी आप छेड़ नहीं सकते, डेल्टी आप छेड़ नहीं सकते, तो आपके पास बचता क्या है इस कंडीशन को लाने के लिए ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ को कंट्रोल किया, ओरिजिनल लेंथ को मैं क्या लेके चला थोड़ा सा एडवांस लेके चला, सो दैट इज द आंसर, होप क्लियर होगा, स्टिल देयर इज डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड वन मोर रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू।